हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप सिंडिकेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है उसमें अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना है मोबाइल बैंकिंग के लिए या आपका जो नेट बैंकिंग है उसके लिए अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहती है तो वो आप किस तरह कर सकती है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल्स दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एक काम कीजिए, गूगल को ओपन कीजिए, उसमें लिखिए सिंडिकेट बैंक नेट बैंकिंग। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पर देखिए सिंडिकेट बैंक नेट बैंकिंग इसको ओपन कर लिया। तो फ्रेंड्स इसको ओपन होने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है इसको चेंज करने के लिए आपको नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में आप एक काम कीजिएगा कि जो सिंडिकेट बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो किस तरह से एक्टिव कर सकती है, उसको नहीं देखने से आप ये समझ में नहीं आएगा आप किस तरह से कर सकती है अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है। अगर नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकती है, तो अगर आपके नेट बैंकिंग नहीं है तो आप उसको नेट बैंकिंग फर्स्ट एक्टिवेट कर लीजिए। तो मेरा चैनल पर ऑलरेडी है वीडियो, उसको देख के आप सीख सकती है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा किस तरह से मोबाइल बैंकिंग मोबाइल जो नंबर है वो नंबर को किस तरह से सेंस कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि यहां पर आप देख सकती है मैंने इसको नेट बैंकिंग का जो सर्विस है वो लॉगिन कर लिया। ठीक है, नेट बैंकिंग लॉगिन होने के बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, यहां पर देख सकती है जो अकाउंट सेटिंग है, ठीक है, इसके नीचे देख सकती है यहां पर मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, आप यहां पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकती है मोबाइल बैंकिंग एम पिन रिसेट, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकती है रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसमें देख सक तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बाद में मैं सोच रहा हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी जानकारी दे देता हूँ किस तरह होता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो पहले जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा। ठीक है, OTP आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP आने के बाद आपको यहाँ पर जो OTP को यहाँ पर डालना है, जो पुराना नंबर है उसमें एक OTP आएगा, OTP आने के बाद यहाँ पर डालने के बाद आपको जो न्यू नंबर है उसको आप यहाँ पर डाल के आपका जो नंबर है वो एक्टिवेट कर सकती है और यह तुरंत हो जाता है। तो नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एक जो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग है इसमें करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, करने के बाद आपका ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है मैं इसी तरह से यहाँ पर अपडेट किया, अगर इसको चेंज करना है या डी रजिस्टर करना है तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डी रजिस्ट्रेशन है, रीएक्टिवेशन है, ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, मतलब अगर मोबाइल आपका खो गया तो यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकती है, नया मोबाइल नंबर ऐड कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से आप मॉडिफाई मोबाइल नंबर इसी तरह करके आपको यहाँ से आप यहाँ से सेंस कर सकती है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से सेंस कर सकती है, नया नंबर जुड़ सकती है अगर, तो इसी तरह से ये पूरा हो जाता है, आप यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकती है, पर उसके लिए आपको नेट बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी दबा के रखिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।